जो भी लोग शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं वो लोग स्टार्टिंग टाइम में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आखिर कौन सी कौन सी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें कैसे चेक करनी चाहिए और कौन सी कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनको पता नहीं रहता और सबसे जो ज़रूरी बात ये रहती है कि उनको कोई स्टार्टिंग टाइम में गाइड करने वाला नहीं रहता कि हाँ तुम जाओ ये कंपनी के बारे में ये सारी चीज़ें चेक करो अगर आपको पॉजिटिव लगे तो ये कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग टाइम में किसी को कोई गाइड करने वाला नहीं रहता और उसके बाद होता यह है कि स्टार्टिंग टाइम में जो लोग भी शेयर मार्केट में नए नए आते हैं वो लोग अपना पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर गंवा कर चले जाते हैं तो आज के इस वीडियो में जो लोग भी शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर है उनको मैं ये सिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कौन सी कौन सी जो मेजर तीन चीज़ें हैं वो आपको चेक कर लेनी चाहिए और इससे होगा ये आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि इससे आपका जो पैसा है शेयर मार्केट में वो डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा और लॉन्ग टाइम में आपका अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो वो कंपनी का पहले बिजनेस देखो कि वो बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है कि नहीं एवरग्रीन बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा हमेशा चलने वाला बिजनेस को ही एवरग्रीन बिजनेस बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल फार्मा कंपनीज़ फार्मा कंपनीज मतलब मेडिसिन बनाने वाला कंपनी तो जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक दवाई की जरूरत होगी ही मेडिसिन की ज़रूरत होगी ही तो मेडिसिन आने वाले टाइम में तो क्या आने वाले हजार सालों में भी मेडिसिन का जो मार्केट है वो रहेगा ठीक है तो इसको बोला जाता है एवरग्रीन बिजनेस सेम उसी तरह एफ सेक्टर वाली कंपनी जो खाने पीने का सामान बनाती है चाहे वो मैगी ले लो चाहे वो बिस्किट ले लो ठीक है तो इस टाइप की जो बिज़नेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है, तो जो भी कंपनी का आप शेयर को खरीदने जा रहे हो सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में सोचो देखो रिसर्च करो कि वो बिजनेस आने वाले टाइम में चलेगा कि नहीं चलेगा अगर एवरग्रीन बिजनेस है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है अब एक एग्जाम्पल को सुनो तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और शेयर मार्केट में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी देखो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल का डिमांड है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसा काफ़ी इंडिया में बड़े बड़े जो लोग हैं उनको उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल घर घर में होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा तो हर घर में जब बाइक और गाड़ियाँ जब इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा और इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो पेट्रोल का मार्केट आखिर कहाँ जाएगा ठीक है ना तो आपको एक बिजनेस माइंडसेट से सोचना होगा मैं ये नहीं कहता कि आने वाले टाइम में पेट्रोल का जो मार्केट है वो खत्म हो जाएगा पेट्रोल बनाने वाली जो कंपनी है वो खत्म हो जाएगा लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको ऐसे ही बिजनेस माइंडसेट से सोचना होगा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कौन सा बिजनेस रहेगा और कौन सा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो वो कंपनी का जो बिजनेस है अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस फ्यूचर में भी चलेगा और ग्रो करेगा तो आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको चेक करनी चाहिए जो लोग भी बिगिनर्स है वो ये है कि जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो उसको सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करो सर्च करने के बाद वहाँ पर जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो ओपन करो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बस समझाने के लिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को गूगल पर सर्च किया और जो शेयर का जो चार्ट पैटर्न है उसको ओपन किया और मैक्सिमम पे क्लिक किया मैक्सिमम का मतलब जब से ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर आज तक का डेटा आज तक का जो ग्राफ है उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको भी जो भी कंपनी को आप चेक करना चाहते हो उसको यही प्रोसेस से करना है करने के बाद आपको ये देखना है कि उस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इतना तो आपको समझ होगा कि ग्रीन का मतलब पॉजिटिव है और रेड का मतलब नेगेटिव है तो यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो चार्ट पैटर्न है ये जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर आज तक ग्राफ ऊपर ही गया है ठीक है तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो या फिर खरीदने वाले हो उस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि वो कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तब से लेकर आज तक अपने शेयर होल्डर को परेशान किया हो अपने शेयर होल्डर का जो पैसा है वो बर्बाद करके चला गया हो ऐसी कंपनी में आपको स्टार्टिंग टाइम में कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो नेगेटिव में हो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए पेटीएम का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा बस एग्जाम्पल देने के लिए आप

से <laughs> तो इससे आप बस इतना समझ जाओ कि जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदने वाले हो वो कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट है आप एक साल का पाँच साल का दस साल का ग्राफ मत देखना जो मैक्सिमम चार्ट है जब से उसने उस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लेकर जो आज तक का जो चार्ट है वो अगर ग्रीन में है वो अगर पॉजिटिव में है तो आप उस कंपनी के शेयर को कंसिडर कर सकते हैं आखिरी जो पॉइंट है वो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा गोल्डन पॉइंट होने वाला है तो उस पॉइंट को मिस मत करना लेकिन वो बताने से पहले एक ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे मैंने ओरिजिनल लिंक दे दिया है आप वहाँ से जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को बना सकते हो पहले डाउनलोड करो उसके बाद आप अपना डीमेट अकाउंट बनवा लो चाहे ग्रो में हो चाहे अपटोक्स में हो चाहे एंजल वन में हो और इसके बावजूद अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप सीधे इंस्टाग्राम पर जाओ वहाँ पर जाकर आकाश पास जीरो थ्री सर्च करो वहाँ पर मुझे अपना प्रॉब्लम मैसेज कर देना आपका पूरा प्रॉब्लम का सोलूशन मिल जाएगा तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो गोल्डन पॉइंट के बारे में जो आपको हर हाल में चेक करना है तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि आप शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाते आप कंपनीज में पैसा लगाते हो और आप कंपनीज में पैसा नहीं लगाते आप कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हो वो लोग कहते हैं ना कि मैं शेयर बाजार में पैसा लगा दिया मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया ऐसा नहीं होता आप बिजनेस में पैसा लगाते हो जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज़्यादा उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उतना ज़्यादा उस कंपनी में लगा हुआ आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा तो इसको सबसे पहले आपको समझना है कि आप कंपनीज पर पैसा नहीं लगाते आप कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हो तो सबसे जो जरूरी है जो आपको चेक करनी चाहिए जो लोग भी शेयर मार्केट में बिगिनर है तो जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदने जा रहे हो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है कि नहीं यार ऑन ईयर बेसिस में उस कंपनी का जो बिजनेस है जो प्रॉफिट है बिजनेस नहीं सॉरी प्रॉफिट वो बढ़ रहा है कि नहीं कंपनी का सेल्स लाखों करोड़ों में हो सकता है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस कंपनी का जो सेल्स है उसमें आधा पैसा सैलरी देने में चला जा रहा है एम्प्लॉय लोगों को आधा पैसा लोन चुकाने में चला जा रहा है तो सेल्स मैंने नहीं रखता कंपनी का प्रॉफ़िट बढ़ रहा है कि नहीं अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आप लोग तो बिल्कुल शेयर मार्केट में बिगिनर हो आप आखिर कैसे किसी कंपनी के बारे में डिटेल से एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का प्रॉफ़िट बढ़ रहा है कम रहा है कैसे फंडामेंटल एनालिज कर सकते हो तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही जो लोग भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है वो लोग आखिर कैसे शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिटेल एनालाइज़ कर सकते हो बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया है अगर आपको ये जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी कंपनी का डिटेल्स कैसे निकाला जाता है